आते गगन और बात करेंगे कि सुबह 10 बजे का सबको इंतजार है, बेसब्री से इंतजार उन पलों का जब नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। राजस्थान में आज छात्र संघ चुनाव के नतीजे जो आएंगे तो 10 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, रुझान आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। कल दोपहर 1 बजे वोटिंग खत्म होने के बाद छात्र उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला मतपेटियों में बंद हुआ था। बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, कुछ ही वक्त बाकी है कि छात्र संघ चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और छात्र नेताओं में भी नतीजों को लेकर बेचैनी बढ़ चुकी है। दिल की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। अपेक्स पदों की मतगणना कॉमर्स कॉलेज में होगी और पहली बार कॉमर्स कॉलेज में अपेक्स पदों की मतगणना होगी तो अध्यक्ष पद पर 6 उम्मीदवारों के साथ कुल 4 पदों पर 23 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। और इस साल राजस्थान यूनिवर्सिटी में 48.38% मतदान रहा, तो जयपुर की बात की जाए तो जयपुर के कॉमर्स कॉलेज में कल 39.79% मतदान दर्ज किया गया। महाराजा कॉलेज की अगर बात की जाए तो 61.60% वोटिंग हुई, तो उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में 52.26% मतदान दर्ज किया गया। कोटा का रुख करेंगे तो 8 कॉलेज और कोटा यूनिवर्सिटी में हुए चुनाव में कुल प्रतिशत जो रहा 41.5 दर्ज किया गया। तो सबको इंतजार है, 10 बजे जो है वो काउंटिंग का काम शुरू हो जाएगा, काउंटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बाद लगातार रुझान आने शुरू हो जाएंगे। आज नतीजों का ऐलान हो जाएगा, आखिरकार कैंपस का किंग कौन होगा, कौन होगा किंग बॉस, कौन होगा, कौन प्रतिनिधित्व करेगा, कौन छात्रों की समस्याओं को सुनेगा और प्राथमिकता पर उनका समाधान किया जाएगा, कौन ऐसा उम्मीदवार है, वो कैंडिडेट कौन है जो कैंपस का किंग बनेगा और आने वाले वक्त में सुधार की दिशा की तरफ कदम उठाए जाएंगे। सबको इंतजार है बेसब्री से और दिल की धड़कने ना सिर्फ छात्र संघ के साथ जुड़े कार्यकर्ताओं की, इसके साथ खुद कैंडिडेट्स की भी अब बढ़ती जा रही है। कई वादे किए गए थे, धुआंधार प्रचार किया गया था तमाम छात्र संगठनों की तरफ से। बता दें कि निर्दलीय भी मैदान में उतरे थे और इसके अलावा जो बागी सुर भी सुनने को मिले थे, लेकिन बावजूद इसके जो धुआंधार प्रचार किया गया, मतदान फीसद पर अगर नजर डाली जाए तो मतदान फीसद काफी रोचक नजर आया। तो 10 बजे काउंटिंग का काम शुरू हो जाएगा, 10 बजे का सबको इंतजार है। जोधपुर के जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के अगर